तो ये चूरमे के लिए हमने आटा लिया है, इसमें मोटा आटा भी ले सकते हैं। फिर इसमें हमने घी मिलाया है, घी मोरण के लिए मिलाया जाता है। इसमें ये हमने घी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी डालकर एक डो बना लेंगे, बिल्कुल टाइट सा जैसे मैंने बनाया। फिर इसकी लोइयां बना के और इसको मोटा मोटा बेल लेंगे इस तरह से, और इसको फिर तवा गरम करेंगे, हल्की आंच पे इसको सेकेंगे दोनों तरफ से। इस तरह से ये सिक जाएगा। अब हम इसको ठंडा करेंगे, इसको तोड़ के ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा करना पड़ता है इसको, तो गरम गरम क्या ये पिसता नहीं है। इसको हम मिक्सी जार में पीसेंगे, दरदरा मोटा सा इस तरह से। अब इसमें हम पिसी हुई चीनी या बूरा डाल सकते हैं। इसमें काजू डालेंगे, बादाम कतली भी डालेंगे, पिस्ता डालेंगे, किशमिश डालेंगे और नारियल का बुरादा डालेंगे। और ये मैंने एसेंस डाल दिया गुलाब का फ्लेवर के लिए, और इसमें घी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये लड्डू बना लेंगे। लड्डू भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं। ये मैंने लड्डू बना के तैयार कर दिए। ये लड्डू बन के तैयार हो गए चूरमे के। ये हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई एक तरफ से। बाटी के लिए हम आटा लेंगे, नमक डालेंगे और इसमें हम अजवाइन डालेंगे, इसको हम घी डालेंगे इसमें मोरन के लिए। घी या रिफाइंड तेल कुछ भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, और इसको अच्छी तरह डो बना लेंगे टाइट वाला वैसे ही। और लोइया बना के इस तरह से लोइया बनाएंगे और ऐसे थोड़ा सा दबा देंगे हल्के से, और बाटी के ओवन में इसको हम सेकेंगे इस तरह से। अब ये मैंने आलू की बाटी ली है, इसमें मैंने आलू का भुर्ता भरा है इसके अंदर। इसको भर के ऐसे बना के और इसको भी सेकेंगे हम। तो ये हमारी बाटी बन के तैयार हो गई है। इसको हम घी में डालेंगे, घी में डाल के इसको थोड़ा घी डाल देंगे इसके अंदर, और ये इस तरह से कुछ इस तरह से घी इसमें अंदर चला जाएगा। ये देखिए बाटी बन के तैयार है। आज जो डिनर बनाया वो है दाल है, कढ़ी है, चूरमा है, आलू की बाटी, सिंपल बाटी, और इसके साथ नींबू खाया जाता है। तो ये रहा आज का हमारा डिनर। तो आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।